किसान भाई नमस्कार। मैं आज आपको बताने वाला हूं खीरा की नर्सरी कैसे तैयार करें प्लास्टिक की ट्रेज में। ये उन्नत तकनीक है जिसमें स्वस्थ और बीमार रहित पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए आवश्यक सामग्री के, तो उसके लिए पहला है कोकोपीट, कोकोपीट के बाद में वर्मिकुलाइट और परलाइट आपको ग्रोइंग मीडिया के रूप में चाहिए। इन्हें आप एकत्रित कर लें और इन्हीं का 3 भाग कोकोपीट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट को आप पानी की टंकी में पानी के साथ भिगो दें और उस पानी को 2 ग्राम प्रति लीटर कार्बन डाइजिम घोल के आप रखते हैं ताकि इसमें किसी भी तरीके की फफूंद है तो वो समाप्त हो जाए, आप इससे ट्रीट हो जाए। वैसे जो मीडिया होता है पहले भी ट्रीटेड आता है लेकिन फिर भी आपकी शंका दूर हो जाए उसके लिए करना चाहिए। और उसके बाद जो गले हुए भाग को वापस जब आप डालेंगे बाहर तो पानी, एक्सेस पानी है वो बाहर निकल जाना चाहिए, उसके लिए ड्रेन आउट होने दें। और आप चेक उसके बाद जब ड्रेन आउट हो जाता है तो उसको मिक्स कर लें अच्छे से। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर आप टेस्ट करें दबा करके, इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो। जब आपको संतुष्टि हो जाए कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, एक्सेस ड्रेन नहीं हो रहा पानी, तो उसको हम प्लास्टिक प्रोट्रे जो आपके पास है, बड़े बीजों के लिए 48 वाली बड़े क्यूब्स वाली आती है, छोटे बीजों के लिए जैसे टमाटर बैंगन के लिए छोटी 98 वाली ट्रे आती है। इस ट्रेज में आप मीडिया भरने के बाद एक एक बीज एक एक क्यूब में आप उनको डालना है। बीज थोड़ा 5 सेंटीमीटर तक अंदर रहे उसके लिए आप क्यूब्स को दबा दें, बीज को डाल दें और उसके बाद वापस से उसको एक लेयर चढ़ा दें ताकि वो बीज ढक जाए, बीज खुला ना रहे किसी भी स्थिति में। जब ये पूरा ढक जाता है तो इसके उपरांत आप इनको 4 से 6 ट्रे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे और इसके बाद जब 6 ट्रे हो जाती है इसके ऊपर एक खाली ट्रे ऊपर आप रख दें ताकि बीजों का जो ढकान है वो अच्छे से हो जाए। और इस ढकान के बाद में आप खाली बोरी की तप्पड़, जो पुरानी बोरी है, उसको अच्छे से पानी से धो करके और इसके ऊपर बिछा दें। ये गर्मियों के अंदर बोरी बिछाई जाती है और सर्दियों के अंदर इसी को प्लास्टिक में रेप कर दिया जाता है, यानी बिल्कुल पूरा बांध दो अच्छे से ताकि इसमें गर्मी बन जाए और बीज उगने में आसानी रहे। लेकिन अभी गर्मियाँ इसलिए हम बोरी का तप्पड़ डालते हैं ताकि बीज आसानी से उगे। 3 से 4 दिन बाद में इसको जब खोलना चाहिए, खोलेंगे तो दिन भर में ही सीडलिंग एक तरह से खड़ी हो जाएगी और यही सीडलिंग 10 से 12 दिन में आपको इस तरीके से तैयार होती है। 2 लीफ की स्टेज में इसको हमको खेत में लगा देना है, पॉली हाउस में लगा देना है। यह आपकी स्वस्थ सीडलिंग का एक तरीका है। धन्यवाद।